So friend, welcome again. Let's start with the problem number 8. Two points P and Q are maintained at the potentials of 10 volt and 4 volt, minus 4 volt respectively. The work done in moving 100 electrons from P to Q. Okay, now here concept is very same, very much same. Nothing is special, only you have to use the quantization principle. Okay, so for 100 electrons, how much will be the charge that you have to calculate? Remaining all work is same. Okay, so try to do that. Here it is, see, V is equal to W upon Q. So that VQ minus VP, that all that will be W upon Q. So W will be V into Q. Now Q you have to calculate. Okay, so Q I have shown you here. Okay. Okay, you may see here 100 electrons are going from here to here. So Q is equal to Ne. N आपने 100 लेना है, E तो electronic charge है, minus 1.6 into 10 raised to minus 19. Okay, and then you have to go with that and you have to put that value over here, W upon, sorry, here into that potential. Potential कैसे निकालोगे? एक 10 है, एक minus 4 है, so 1 minus 2 means एक का माइनस दूसरे का, तो माइनस प्लस साइन का ख्याल रखो एंड डू दैट, देन यू विल गेट द आंसर. आंसर इज कमिंग 2.24 प्लस. सो हेलो हेलो ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल inside a charged spherical ball is given by phi is equal to ar square plus b, where r is the distance from the center and ab are constants. Then the charge density inside the ball is, okay, आपको phi दिया, flux का equation दिया, ar square plus b, और आपको charge density पूछा है. तो पहले हम formula को देख लेते कैसे क्या क्या करने वाले. ओके, देखो पहले पहले तो फ्लक्स दिया है, इसका मतलब यू हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या लगेगा? पहले गॉस लॉ, गॉस लॉ के एप्लीकेशन से यू विल फर्स्ट कैलकुलेट ई. व्हाट इज ई? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. Now, आपको मालूम है डेल्टा फाई और डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी आर और डी ए, कौन सा भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हर टाइम को माइनस डी फाई बाई डी आर, क्या आता है? माइनस डी फाई बाई डी आर आता है. मतलब वॉट एवर द इक्वेशन इज गिवन, ए आर स्क्वायर प्लस बी यहाँ पे दिया है ना, वो इक्वेशन ए आर स्क्वायर प्लस बी, उसका डिफ्रेंसिएशन करना है और उसको नेगेटिव साइन दे, तो ए आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कैसे आएगा? 2 ए आर, और बी का डिफ्रेंसिएशन 0. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? माइनस ऑफ 2 ए आर. तो होगा ये एक हो गया. नाउ आफ्टर दैट व्हाट टू डू? नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है आपको, आपने लिखा है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, उसको इक्वेट करो माइनस 2 ए आर से. सो इफ यू आर इक्वेटिंग विद माइनस 2 ए आर इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, देन बेटा आपको क्यू कितना मिलेगा? माइनस 2 ए आर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. अगर इसको मल्टीप्लाई किया 4 टू 8 माइनस 8 पाई, वैसे ही रहेगा एप्सिलॉन नॉट ए आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब आए. अभी इसको हमने इधर डिफ्रेंशिएट किया, क्यों? क्योंकि इधर वंस अगेन वी हैव टू कैलकुलेट समथिंग. लेट मी शो यू दैट. देखो रो इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी, वे अपने पास डी आर है, तो डी वी को वी को ए इंटू एल लिख सकते हैं ना, वैसे इधर वेरिएबल आर है तो वी को हम ए आर लिख सकते हैं, तो डी वी को डी ए इंटू डी आर लिख सकते हैं. एकदम सिंपल है, फिर से बता देता हूँ. वॉल्यूम वी को हम ए इंटू एल लिखते हैं,
अगर डी वी है तो डी आई इंटू डी एल, यहाँ पे एल की जगह हमने आर यूज किया तो डी आई इंटू डी आर यूज करेंगे। तो सिग्मा कितना बन गया, डी क्यू बाय डी ए इंटू डी आर। उसमें से डी ए कितना है, स्फेरिकल है तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना बन गया 4 पाई स्क्वायर डी आर। अब डी क्यू को कैसे करेंगे, डी क्यू तो अपने पास नहीं है, डी क्यू नहीं है लेकिन अपने पास है क्यू। क्यू कितना है, -8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आर क्यूब। तो इसको लिया मैंने यहाँ पे, देखो बेटा ये देखो, इसको तो लिया मैंने अभी, डी क्यू इक्वल -24 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये कैसे लिया मैंने, इसको मैंने डिफ्रेंशिएट, ये जो था मेरे पास -8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आर क्यूब, तो आर क्यूब को खाली डिफ्रेंशिएट करना है। आर क्यूब का कितना आएगा, 2 आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो 2 आर स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई किया तो इतना है, ओ सॉरी 2 आर स्क्वायर नहीं, 3 आर स्क्वायर क्यूब है ना, सो 8 3 24 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर डी आर, ये आ गया अपना। इसको किया और सिग्मा निकाला, सिग्मा आएगा आपका -6 एप्सिलॉन नॉट ए। जरा आप चेक करो आपका आंसर आता है कि नहीं। ओके लेट्स गो फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 10। प्रॉब्लम नंबर 10 इज C1 एंड C2 चार्ज टू 120 वोल्ट 200 रिस्पेक्टिवली, इट्स फाउंड दैट कनेक्टिंग देम टुगेदर द पोटेंशियल ऑन ईच वन कैन बी मेड 0। देन अभी कनेक्ट करने के बाद ये ऐसा हो जाएगा, ऐसे बोले ओके, लेकिन कैसे कनेक्ट करने के बाद वो बताया नहीं, बराबर। लेकिन वो अपने को समझना है, अगर किसी भी कैपेसिटर का पोटेंशियल जीरो करना है तो पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला क्या है, क्यू अपॉन सी, बिकॉज क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो बेटा अगर किसी का पोटेंशियल जीरो करना है क्यू इज इक्वल टू सी वी, वी विल बी क्यू अपॉन सी। सी तो जीरो नहीं कर सकते, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कुछ तो होगा इसीलिए उसको कैपेसिटर बोलेंगे ना, तो वो तो जीरो नहीं कर सकते, जीरो किसको बना सकते, क्यू को। तो अगर आपको पोटेंशियल जीरो करना है तो आपको चार्ज जीरो बनाना पड़ेगा, दिस इज द मिस लॉजिकल ऑल्सो है ना, इफ यू यू आर नॉट हैविंग चार्ज यू विल नॉट हैव पोटेंशियल, बराबर। पानी नहीं है चाय कैसे बनेगा, दूध नहीं तो ठीक है बिना दूध के चाय पी सकते, बट इफ वाटर इज नॉट देयर वेदर विल यू बी एबल टू प्रिपेयर अ टी, नो, दिस इज एज सेम एज दिस। ओके सो इट्स वेरी लॉजिकल। अभी अपने को देखना है कि ऐसी सिचुएशन कब आती है, सीरीज में आएगी पैरेलल में, तो पहले पैरेलल देखते, पैरेलल करके देखते क्या क्या होता है। पैरेलल में क्या फॉर्मूला आता है, वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड क्यू इज इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू। ओके लेकिन ये नहीं हो सकता पॉसिबल क्योंकि क्यू वन प्लस क्यू टू मतलब, हाँ ठीक है ठीक है, पहले आपको बता देता हूँ। हाँ पोटेंशियल शुड बी जीरो, सो मैं पहला पूरा करता हूँ, सो क्यू वन प्लस क्यू टू मस्ट बी इक्वल टू जीरो, मतलब टोटल चार्ज बोल रहा हूँ, चार्ज ऑन ईच नहीं बोल रहा हूँ, टोटल चार्ज जीरो जीरो आना चाहिए। अब देखो अगर क्यू वन प्लस क्यू टू जीरो आना है मतलब एक पॉजिटिव होना चाहिए एक निगेटिव होना चाहिए, बराबर। तो ये डायरेक्टली ऐसे पॉसिबल नहीं होगा, तो इसके अलावा अपने को उसको कैसे करना पड़ेगा, सी जो निगेटिव है उसको निगेटिव से जोड़ो। ओके अभी क्या हो जाएगा, अभी चार्ज बन जाएगा जीरो। तो ये एक्चुअली आपको करने के लिए नहीं है इस प्रॉब्लम में, एक्स्ट्रा बताया मैंने, लेकिन ठीक है आपको याद करने के लिए। इस चीज़ में क्या करना है, आपको चार्ज को जीरो बनाना है, बराबर। तो क्या दिया है ये याद रखो आप, बिकॉज टू टुमारो इज द एग्जाम यू विल बी अदरवाइज जम्बलिंग। ओके ये देखो, तो दोनों का मैग्नीट्यूड को इक्वेट करो बस, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, क्यू वन, क्यू वन कितना आएगा सी वन वी वन। ओके क्यू टू कितना आएगा सी टू वी टू, तो सी वन वी वन को सी टू वी टू से इक्वेट करो, तो 120 सी वन इज इक्वल टू 200 सी टू, सो 3 सी वन इज इक्वल टू 5 सी टू,
दिस इज माई आंसर। कहाँ पे? तीसरी वाली जोड़ो, फाइव सेट। कोई कोई लोग का ये आता है, वो थोड़ा सा ये करते हैं, साइन का गड़बड़ करते, वो नहीं करेंगे गड़बड़, साइन का गड़बड़ा कभी भी नहीं करना। ओके, नाउ विल हैव सम मोर प्रॉब्लम्स, बट नाउ आई विल गिव यू एज अ होमवर्क। आपको मैं हिंट देते जाऊंगा, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूंगा, बिकॉज आई डू हैव ऑल्सो द टाइम, स्पेकुलेटेड टाइम इन दैट आई हैव टू टीच यू। ऐसा नहीं कि दिया है कि कितना भी आप ले लो टाइम, ऐसा नहीं। वॉट एवर टाइम इज गिवन टू मी इन दैट टाइम आई हैव टू टीच। तो ये प्रॉब्लम है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इज सेटअप एज शोन इन द फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू, कैसे दिए? हैविंग अ चार्ज इक्वल टू द सम ऑफ द चार्जेस ऑन 4 माइक्रोफेरेड एंड 9 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर्स एट अ पॉइंट डिस्टेंस 30 मीटर फ्रॉम इट वुड इक्वल। इस यहाँ पे क्या किया है? ये दो प्रॉब्लम का सैंडविच किया है और आपको खिलाया है। पहले तो क्या बोले, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू, ओके, हैविंग अ चार्ज इक्वल टू द सम ऑफ द चार्जेस ऑन 4 माइक्रोफेरेड एंड 9 माइक्रोफेरेड। मतलब आपको ये, वॉट आर द चार्जेस ऑन 4 एंड 9 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर आपको निकालना पड़ेगा, बराबर। वो निकालने के बाद ओके, वो दोनों को वो वैल्यू देगा और 30 सेंटीमीटर, 30 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट उसको रख के उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। समझ गया? तो पहले इसका थोड़ा सा देखते हैं कैपेसिटेंस वगैरह कैसे निकालते हैं। ओके, नहीं तो क्या करते हैं, मैंने इसका सॉल्यूशन भी आपको स्नैप इधर ही रखा है मैंने इसका, स्पेशली क्योंकि ये मैं होमवर्क देने वाला था आपको, तो मैं सोचा था आपको सॉल्यूशन देख के रखूँ। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करते हैं। हाँ, फिर से मैं इसको फास्ट रीड करता हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस फिगर, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज क्यू, क्योंकि चार्ज इक्वल टू सम ऑफ, ओके ओके ओके। पहले तो 4 और 9 माइक्रोफेरेड के ऊपर कितना चार्ज रहता है वो निकाले। पहले तो देखो, ये वाला है 4 माइक्रोफेरेड, ऊपर वाला 3 है, नीचे वाला 9 है, इधर नीचे वाला 2 है। फटाफट बताते जाता हूँ आपको, नोट डाउन करो अगर चाहिए तो फटाफट। बाकी माइक्रोफेरेड वगैरह लिखता नहीं, वैल्यू डाल के दे, 4, 3, 9, 2 और ये 8 वोल्ट। अभी चार्ज निकालना है पहले, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। चार्ज इसके ऊपर निकालना, ये वाला और ये वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या मालूम है, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट, सीरीज में चार्ज कांस्टेंट, बराबर। तो पहले इसका इक्विवेलेंट निकाल के लेते हैं। 9 प्लस 3 12, 12 एंड 4, 12 फोर ज़ा 48 अपॉन 12 प्लस 4 16, सो 3, ये सबका मिला के आ गया 3, और 3 2 3 प्लस 2 5 और ये 8 है। सो क्यू टोटल कितना आएगा? हाँ, ये कितना निकला, 3 प्लस 2 5, 5 इंटू 8, सो 40 माइक्रो कूलम आएगा। नाउ क्या हो जाएगा बेटा, 40 माइक्रो कूलम कैसे बढ़ जाएगा? देखो पेंसिल से कर लेते, ये नीचे वाला है, इसके ऊपर जाएगा क्यू, दिख रहा है आपको?
इसके ऊपर जाएगा क्यू, ये दोनों मिला के हैं, इनके ऊपर जाएगा से क्यू डैश, और अंदर में यहां पे लिखता हूं क्यू वन, यहां पे लिखता हूं क्यू टू, एंड देखो बेटा क्यू वन प्लस क्यू टू फिर से कितना हो जाएगा क्यू डैश, क्योंकि इसके ऊपर जितना चार्ज है उसका उतना ही चार्ज इसके ऊपर आए। ओके, ये पहले क्यू निकाल, ओके, क्योंकि एट तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो एक सिंपल है, इसका पहले सर्किट निकाल के ले, ये कितना आया था थ्री और ये आया था एट, ये टू और ये बैटरी है 8 वोल्ट का, तो अभी पहले क्यू डैश निकाल, क्यू डैश कितना आएगा सी, मतलब इनका इक्विवेलेंट, मतलब 3 × 8 सो 24, और क्यू कितना आएगा 2 × 8 बराबर 16, 40 आ गया, तो 40 इधर आ गया, तो अपना आंसर सही, तब ये 40 बन गया, तो एक तो मिल गया, तो क्यू वन मिल गया 40, सॉरी नॉट 40, इसके ऊपर कितना निकला था ये निकला था, सो क्यू वन विल बी 24 माइक्रोकूलम, ये बन गया। वैसे इसके ऊपर निकाले, अभी निकाल वो सब लिखा है वो देखा था आपको, हाँ उनका सॉल्यूशन था मेरे पास, तो मैंने उसको स्नैप निकाल बोला बच्चों के लिए, ठीक चलेगा, इसका स्नैप निकाल के लो वीडियो का, आपको ये मिल जाएगा सॉल्यूशन। ओके, वेरी सिंपल, फिर भी अगर क्वेरी है तो आप मुझे पूछो, नो प्रॉब्लम। ओके ठीक है, अगले प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो को सॉल्व करते हैं।